आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। इन दिनों में, सर्दियों के दिनों में बहुत सारे लोगों को जुकाम खांसी हो जाती है और उसके परिणाम स्वरूप गला बैठ जाता है। बहुत सारे लोगों को गर्मियों के अंदर भी पसीने पसीने रहते हुए या परिश्रम करते हुए एकदम ठंडा पानी पीने के बाद भी इस प्रकार की परेशानी खड़ी हो जाती है। इसके लिए आपको एक ही सावधानी रखने की ज़रूरत है, कभी भी एकदम ठंडा ठंडा पानी नहीं पिए और ताज़ा पानी पिए। हो सके तो सर्दियों के दिनों में गर्म पानी पिए और खांसी वगैरह हो जाए तो उसके लिए शीतोपलादि चूर्ण एक एक चम्मच की मात्रा में शहद के साथ ले लें। इसी प्रकार मुलेठी आप ले आए मार्केट से और उसकी थोड़ा थोड़ा सा टुकड़ा उसका दिन भर में 5-6 बार चूसते रहिए, उससे आपका ये गला बैठना और ये सब ठीक हो जाएगा। काली मिर्च थोड़ी सी 4-5 नग और मुलेठी का चूर्ण आधी चम्मच, इसको शहद के साथ लेने से ये गला आपका ठीक हो जाएगा। मिश्री चूस दे, गर्मियों के दिनों में मिश्री चूसते रहने से भी गला ठीक हो जाता है। इसी प्रकार मुनक्का चूसने से भी गला ठीक हो जाता है। मुनक्का और काली मिर्च मिला करके उसको धीरे धीरे चूसते रहिए, उससे भी आपका गला ठीक हो जाएगा। जिन लोगों को कफ आता है उन लोगों को थोड़ा सा एक अदरक का टुकड़ा थोड़ा सा नमक में मिला करके उसको धीरे धीरे चूसने से आपका गला ठीक हो जाएगा। ध्यान रहे कभी भी ठंडी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करें और खट्टे चीज़ें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें, ये आपको नुकसानदायक हो सकती है। सामान्य खाना आपने जो भी है वो लेते रहिए, खट्टी चीज़ों से आप अपना बचाव रखिए, इतना ही इसमें समाधान है। यदि आपका कोई परेशानी हो इस संबंध में तो आप आयुर्वेद समाधान पर जाकर इस बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। कई बार बहुत सारी दवाइयों के कारण भी ये रोग हो जाता है। बिल्कुल एकदम गर्म गर्म दवाइयाँ कोई ले लेते हैं तो कफ खुश्क हो जाता है, उससे भी ये रोग होता है। इसलिए उस संबंध में जैसी परेशानी होती है उसी के वैसा ही उसका समाधान किया जाता है, उसमें दवाइयाँ भी उसी ढंग की होती है। इसलिए कृपया यदि आपने आयुर्वेद समाधान सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आयुर्वेद समाधान सब्सक्राइब करें और आपकी परेशानी हम तक पहुंचाने का प्रयास करें। हम आपका समाधान प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद।